दोस्तों पशुओं के साम्राज्य में छोटे से लेकर बड़े सैकड़ों जानवर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ माइंड से इतने स्मार्ट होते हैं कि उनके माइंड की तुलना आइंस्टाइन जैसे बुद्धिमान लोगों के साथ की जाती है, जैसे चिंपैंजी और डॉल्फिन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे मूर्ख जानवर कौन से हैं, जो अपनी मूर्खतापूर्वक कार्यों से अपने जीवन को ही खत्म कर लेते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये इतना स्टूपिड यानी मूर्ख होते हैं कि अपना भोजन तक भूल जाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे ही 10 सबसे मूर्ख जानवर के बारे में बताने वाले हैं। और आपको बता दें कि इनमें से एक जीव तो ऐसा है कि उसने अपनी मूर्खता की हद ही पार कर दी है। जी हाँ, उसका माइंड इतना नहीं काम करता कि वो अपने मादा के मरे हुए शरीर के साथ ही संभोग करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों अगर आप उस जानवर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, डेड लिप टर्टल। पत्ते की तरह दिखने वाला यह एक प्रकार का जानवर है जिसे डेड लिप टर्टल कहा जाता है। हालांकि इसका नाम तो कछुआ है, लेकिन यह अन्य कछुओं की तरह माइंड से स्मार्ट नहीं होते हैं। ये माइंड से बहुत ही स्टूपिड होते हैं। दोस्तों ये माइंड से इतने मूर्ख होते हैं कि अगर इनके आसपास भोजन के लिए कोई जीव जैसे मछली, झींगा या अन्य जीव अगर इनके एकदम से पास ही रहे तो भी इनका माइंड इतना नहीं काम करेगा कि उन्हें कैसे खाना है। और ये भी नहीं जानते कि भूख लगने और चक्कर लगने पर कैसे जागना और भोजन की तलाश कैसे करनी है। और दोस्तों ऐसा इसलिए नहीं होता कि ये आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इनका आईक्यू वास्तव में इस स्तर के बारे में सोचना असंभव बना देता है। और अंत में यह केवल खुद को भूखा रखते हैं। ऐसे में ज्यादा दिन तक भूखा रहने के कारण ये जीव मर भी जाते हैं। नंबर 9, कोमोडो ड्रैगन। दोस्तों कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया में पाए जाने वाला एक छिपकली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है और ये अपने विशाल जबड़े के जरिए आक्रामक शिकार के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही मूर्ख जानवर होते हैं जो अपने माइंड से नहीं बल्कि पेट से सोचते हैं। कोमोडो ड्रैगन जीव रहने के लिए आवश्यकता से अधिक खाना खाते हैं, जिससे ज्यादा खाने से उनका वजन अधिक हो जाता है और उसी वजह से उनकी गति धीमी हो जाती है। और जब उन्हें लगता है कि कोई शिकारी आ रहा है तो वह तेजी से भागने के लिए अपने पेट की सारी सामग्री उल्टी कर देते हैं। ऐसे में उनकी बेवकूफी भरी हरकतें उनके शरीर पर आघात का कारण बनती है, जो छिपकलियों के लिए कभी भी अच्छी बात नहीं है। नंबर 8, ग्लोबल शार्क। शार्क सबसे खतरनाक समुद्री जीव में से एक है, जो अपनी आक्रामक रवैया के लिए जाने जाते हैं और इनकी याददाश्त भी बहुत तेज होती है, जिससे इन्हें पकड़ना काफी चुनौतीपूर्वक होता है। लेकिन आइए हम आपको शार्क की प्रजाति की ही एक ऐसी शार्क से मिलवाता हूँ जिसका याददाश्त बहुत ही कमजोर होता है। और उस शार्क का नाम है ग्लोबल शार्क, जो प्रशांत अटलांटिक या हिंद महासागर के गहरे अंधेरे और बर्फीले हिस्सों में रहती है। दोस्तों ग्लोबल शार्क इतनी आसी और सुस्त होती है कि अपना जीवन जीने के लिए भोजन की तलाश में ही इधर उधर नहीं जाना चाहती है। ये बस एक जगह बैठी रहती है और शिकार के यथासंभव अपने करीब आने का इंतजार करता है। ऐसे में इसकी ये सुस्त और मूर्खता पर शिकारियों के शिकार में काफी मदद करता है। नंबर 7, ककापो। ककापो तोते की परिवार का एक सदस्य है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि ककापो दुनिया का एकमात्र ऐसा तोता है जो उड़ नहीं सकता। ऐसे में काफी दुखद बात है। दोस्तों जब बाकी तोते उड़ सकते हैं तो तोता क्यों नहीं उड़ सकता? यहाँ तक कि जब मुर्गी को घेर लिया जाता है तो अपने पंख दो बार फड़फड़ाकर उड़ सकती है। लेकिन ककापो इतना मूर्ख होता है कि इसका दिमाग समझ नहीं पाता कि इसे कैसे उड़ना है, जिससे ये स्वयं को ही धोखा देना पड़ता है। और ये नीचे से बजाय ऊंचे से नीचे उड़ने पर ज्यादा जोर देते हैं, जिससे ककापो अक्सर ऊंचे स्थानों से गिर जाते हैं। दोस्तों हमने ये पहली बार ऐसा पक्षी देखा है जो उड़ने के लिए इतना मूर्ख है। लेकिन क्या आपने कभी इससे पहले इस ना उड़ने वाले पक्षी को देखा था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6, सीप। दोस्तों भेड़िया दुनिया का सबसे मूर्ख जानवरों में से एक है और आप इसकी मूर्खता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आपने भेड़ियों का झुंड रास्ते या अन्य जगहों पर जाते जरूर देखा होगा, जिसमें एक भेड़िया आगे चलती है और उसी के पीछे सारी भेड़िया एक एक करके उसके पीछे चलती है। और दोस्तों एक समय था जब वैज्ञानिकों ने पाया था कि भेड़ियों के सामूहिक रूप से चट्टानों से कूदने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, जिसके पीछे इनके मूर्खता का कारण बताया गया है। वैज्ञानिकों ने अपने विचारों से पता लगाया कि भेड़ियों के प्रत्येक झुंड में एक नेता होता है जो भेड़ियों के झुंड को रास्ता दिखाते हैं। यदि नेता को रास्ता साफ नहीं दिखता तो वो चट्टान से नीचे गिर जाता है,
तो अन्य भेड़ियों का दिमाग इतना काम नहीं करता कि वो अपना रास्ता दूसरा बदल ले। इसके विपरीत वो अपने भेड़ियों को देखकर नीचे कूदना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि भेड़िया कितनी स्टूपिड होती हैं। नंबर 5, कोला। दोस्तों कोला, जिसे कोला भालू भी कहा जाता है, कोला का मस्तिष्क शरीर के अनुपात में बहुत छोटा होता है। ये प्यारे जानवर केवल ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और दक्षिणी तटों के जंगलों में पाए जाते हैं और जंगलों में ये अपने भोजन में मुख्य रूप से नीलगिरी के पत्तों को खाते हैं, जिसे पचाने के लिए 4 पेट की आवश्यकता होती है। ऐसे में उन्हें अपने स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोई जानकारी नहीं होती और उनका माइंड इतना काम नहीं करता कि हमें क्या खाना चाहिए जो हमें पच सके। माना जाता है कि कोला लगभग 90% क्लैमाइडिया से संक्रमित होते हैं, जिससे वो कभी कभी भी अपने भोजन को पचाने में भी असफल हो जाते हैं और अंततः भूख से मर जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। नंबर 4, स्लॉथ। दोस्तों स्लॉथ दुनिया के सबसे धीमे और मूर्ख जानवरों में से एक है। स्लॉथ अपना अधिकांश समय पेड़ों की शाखाओं पर सोने में बिताते हैं और इन्हें पेड़ से उतरने में 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। और आपको बता दें कि पेड़ की शाखाओं से नीचे तभी उतरते हैं जब उन्हें संभोग और शौच करना होता है। इसके बाद वो फिर वापस ऊपर चले जाते हैं और कभी कभी चढ़ते समय वो अपने ही हाथों को पेड़ की शाखाएं समझने में भ्रमित हो जाते हैं और गिरकर मर जाते हैं। तो दोस्तों आप ही बताइए, क्या इससे भी मूर्ख जानवर कोई हो सकता है? नंबर 3, ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग को लंबे मजबूत पैरों के लिए जाना जाता है, जो उन्हें लगभग 40 मील प्रति घंटे की निरंतर गति से दौड़ने की अनुमति देता है और अपने इसी मजबूत पैरों का उपयोग करके अपने शिकार और दुश्मनों को आसानी से मार सकता है। लेकिन कभी कभी बड़े शिकारी या जानवर उनका पीछा करते हैं तो उनका बुद्धि काम करना बंद कर देता है कि उन्हें कैसे मारना है। ऐसे में खतरा का सामना करने पर शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन और सिर सामने फैलाकर जमीन पर गिर जाते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वे अदृश्य हो गए हैं और अपनी गर्दन और सिर का भूरा गुलाबी या आंडू रंग रेत में मिला लेते हैं और वे अपनी आंखें भी बंद कर लेते हैं और सोचते हैं कि उनके दुश्मन उन्हें देख नहीं सकते, हालांकि ये दिखाई देते हैं। दोस्तों इसकी मूर्खता देखकर हमें तो बहुत मजा आता है। आपको इसकी मूर्खता देखकर कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 2, फ्लामिंगो बर्ड। दोस्तों टॉप 10 स्टूपिड एनिमल्स के लिस्ट में अब नाम आता है फ्लामिंगो बर्ड की, जो बहुत ही प्यारे और सुंदर पक्षी होते हैं। दोस्तों फ्लामिंगो के 2 पैर होते हैं, लेकिन वे ज्यादातर मामलों में एक ही पैरों का उपयोग करना पसंद करते हैं और वे केवल एक ही पैर पर सोते हैं। उनकी मूर्खतापूर्ण व्यवहार का एक और उदाहरण ये है कि वे पानी में अपनी चोंच उल्टी रखकर मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कोई स्मार्ट रणनीति नहीं है। नंबर 1, टर्की। दोस्तों टर्की वास्तव में दुनिया की सबसे मूर्ख जानवरों में से एक है। दोस्तों वे पानी तभी पीना पसंद करते हैं जब बारिश का पानी ऊपर से गिर रहा होता है। वे इतने मूर्ख होते हैं कि बारिश न होने पर भी वह लगातार आसमान की ओर देखते रहते हैं। ऐसे में कभी कभी बारिश के इंतजार में वे आसमान की ओर लगातार टकटकी लगाए रहने के कारण कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक टाइटेनिक टार्टिकलर स्पैस्मक नामक एक वंशागुणत स्थिति से पीड़ित होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कभी कभी बारिश न होने पर भी बिना रुके आसमान की ओर देखते रहेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि यह वही जीव है जिसका दिमाग कभी कभी इतना काम नहीं करता कि वे मादा टर्की के कटे हुए सिर के साथ भी यौन संबंध बना लेते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे मूर्ख जानवर। अगर आप दुनिया के सबसे सुंदर जानवर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं।